जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हम सभी बेसहारों के एकमात्र सहारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटिन कोटि नमन तथा आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ भविष्यवाणियों को जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं स्वामी जी महाराज की कुछ भविष्यवाणियां। जय गुरुदेव। ये बुक है पुस्तक वक्त के सतगुरु आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी। इसके पेज नंबर हम 65 पे आएंगे। भविष्यवाणियां शीर्षक है। अब हम जानते हैं कि स्वामी जी की क्या भविष्यवाणियां हैं। भविष्यवाणियां समय समय पर सभी महापुरुषों ने की। भविष्यवक्ता भी ज्योतिष विद्या के आधार पर, नक्षत्र गणना के आधार पर अथवा अपने स्वप्नों के मनोविश्लेषण के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवक्ताओं का कथन सच भी होता है और कभी कभी असत्य भी हो जाता है। मुझे याद है कि सन 1962 में अष्टग्रही योग की भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बड़े उलटफेर होंगे, प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित होने वाला है, पर हुआ कुछ भी नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी ने कानपुर में सत्संग के दौरान कहा था कि इन तारीखों पर कुछ नहीं होने का है। कानपुर से ही सत्संग केंद्रों पर एवं समाचार पत्रों को तार द्वारा सूचना भेजी गई थी कि लोग घबरा न जाएं, होना हमाना कुछ भी नहीं है। महापुरुषों की भविष्यवाणियां अकाट्य होती हैं, यह बदलती नहीं है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी होते हैं। कर्मों के रहस्य को, जीवन मरण की गुत्थी को समझे होते हैं। उन्हें हिसाब लगाने की, रेखाएं देखने की अथवा नक्षत्रों की गणना करने की आवश्यकता ही क्या है? वे परमात्मा की शक्ति के प्रतिरूप होते हैं, उनकी बात कैसे गलत हो सकती है? सूरदास जी ने आज से 400-500 वर्ष पूर्व ही लिख दिया, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 से ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी, फूले धर्म की बेल बढ़े, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हर की यह लीला टारे ना ही डरे। गोस्वामी जी ने कलयुग का वर्णन ही पूरा कर दिया, इसके दोनों पक्षों को विस्तार से समझा दिया। शाह इनायत साहब ने तारीख तक बता दी, दुखों के कारण को बता दिया, जो तू हरि नमुआ दियो है भुलाए, यह कारण है कष्टों के आने का, परिवर्तन होने का। तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, राजा प्रजा लड़ेंगे, मजहब वाले सभी लड़ेंगे, और क्या होगा? जितने मजहब हैं दुनिया में सबका नाश हो ही जाए, फिर से ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन होगा, आस्तिक लोगों का आवाहन होगा, अवतारी शक्तियां आएंगी, तब क्या होगा? गंदला सबे साफ हो जाई। स्वामी जी महाराज के भविष्य के संकेत कुछ इस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ भविष्यवाणियां। भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। अमेरिका और चीन में टक्कर होगी। अमेरिका का भारी नुकसान होगा। चीन नष्ट कर दिया जाएगा। वहां के बचे लोगों की सहायता भारतवर्ष करेगा। छोटे छोटे देश आपस में लड़कर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। नेपाल, वर्मा, पाकिस्तान, लंका, तिब्बत आदि आसपास के देश टूटकर भारतवर्ष में मिल जाएंगे। भारतवर्ष सबका अगुवा होगा। जिधर से सूर्य निकलता है और जिधर डूबता है, उस पूरी धरती पर भारत का अखंड राज्य होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। संसार के समस्त मुस्लिम राष्ट्रों में भारी संघर्ष होगा और अंत में मुसलमानों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। जो बचेंगे वे शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे। मुसलमानों के खात्मे की बात उनके धर्म पुस्तकों में लिखी हुई है। उनकी पुस्तकों में लिखा है कि हिंदू धर्म में एक फकीर पैदा होगा,
जो देश व दुनिया को बदल देगा। वह फकीर सफेद पोशाक वाला होगा, जब वह अपने बहुत बड़े काफिले को लेकर कहरे दरिया अर्थात सरयू नदी को पार करता हुआ पश्चिम की ओर जाएगा तो मुसलमानों के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, बिहार, गुजरात आदि स्थानों में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। वे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कुछ ने विद्याध्ययन समाप्त कर लिया है। इनके अंदर काम करने की फुरहरी उठती रहती है कि कुछ कर दिया जाए, मगर इनको अपनी शक्ति का अभिज्ञान नहीं है। एक महान आत्मा जगह जगह घूमकर इनको इकट्ठा कर लेगी, फिर एकदम इनमें चेतना आएगी और काम करना शुरू कर देंगे। ये बच्चे देश व दुनिया का परिवर्तन कर देंगे। आगे खरे लोगों का समय आवेगा, संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों के बुरे दिन आवेंगे। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सेवा, त्याग, साहस, उदारता व मानवता की भावनाओं के समाचार पत्रों को महत्व दिया जाएगा। झूठी खबरें छापने वाले, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, चोरी, डकैती, राजहनी, व्यभिचार आदि खबरों को प्रमुखता देने वाले, शांति, दया, प्रेम, सेवा, परोपकार की खबरों का कोई ख्याल न रखने वाले, जिनसे अमानवता समाप्त हो, ऐसे सभी अखबार एवं समाचार एजेंसियां भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। 1968। अभी टैक्स और बढ़ेंगे, हर सामान महंगा हो जाएगा। इसका बहुत भारी बोझ भारत के गरीब किसान, मजदूर व निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों पर पड़ेगा। टैक्स से लोगों की कमर टूट जाएगी। 1970। आगे एक कारण बनेगा, फिर पाकिस्तान में बड़ी भारी भगदड़ मचेगी। भारत और पाकिस्तान लड़ जाएंगे। भविष्य में पूरब का पाकिस्तान और फिर बाद में पश्चिम का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। 1970। 70 से 80 तक कोई भी माई का लाल देश की गरीबी को दूर नहीं कर सकता है और न सस्ती ला सकता है। आगे विश्व में एक जनसंहारकारी क्रांति होगी, जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत कम रह जाएगी। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म को मानने के लिए बाध्य होंगे। अमेरिका व इंग्लैंड के नर नारी भारत की गलियों में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए मिलेंगे। पुरुष हिंदुओं की तरह चोटी रखेंगे और स्त्रियां भारतीयों की तरह साड़ियां पहनेंगी। भारत की तरह सभी देश के लोग शाकाहारी बनेंगे। राजनीतिक लोग जो मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग का सेवन नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ या अन्य अनैतिक कार्यों में भाग लेते रहेंगे, जनता उन्हें अपना अमूल्य मतदान नहीं देगी। भविष्य में एमपी व एमएलए का नाम बदल दिया जाएगा। परिवार नियोजन, गर्भपात, नसबंदी पाप कार्य की अंतिम सीमा है और मनुष्यों को इसकी भारी सजा मिलेगी। भविष्य में परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। 1972 तक भारत में 20 करोड़ नारियों का जनजागरण हो जाएगा। फिर इन 20 करोड़ लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनेगा और आगे चलकर भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भविष्य में महंगाई इतनी बढ़ी जाएगी कि कर्ज अदा करना किसानों के बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। बच्चे स्कूलों में संस्कृत अवश्य पढ़ें। आगे चलकर राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो जाएगी। स्कूल से निकलने पर लड़कों को एक माह के अंदर नौकरी मिल जाएगी। माता पिता को घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में गऊओं को काटना बंद हो जाएगा। किसी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। भविष्य में भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। आगे आने वाले समय में आम स्त्री बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास पापों की तरफ हो जाएगा। मांस, मछली, अंडे बहु संख्या में लोग खुले रूप में खाने लगेंगे। शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम आम लोग पीने लगेंगे। माता पिता के संपर्क में बच्चे बच्चियां शराब व मादक नशीली वस्तुओं को पीने लगेंगी। काम आग से लोगों की लज्जा चली जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से लोग स्वार्थ में पूर्ण रूप से रत होंगे। चोरी, चमारी, लूट पाट, कत्ल आदि बहुत संख्या में बढ़ जाएंगे। जनसंख्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी। टैक्स भविष्य में बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष कानून में संशोधन होता रहेगा। धर्म के लोग लड़ेंगे, समाजों के लोग लड़ेंगे, पार्टियों पार्टियों के लोग आपस में लड़ेंगे। एक दूसरे पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप सरकारों में हेर फेर होगा। अधिकतर सब प्रांतों में राष्ट्रपति का शासन रहेगा।
72 के अंदर मौजूदा कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, सभी लोगों का जीवन दुखमय होगा, सभी लोग छोटे बड़े रिश्वत लेने लगेंगे, राज्य भय सबके अंदर से निकल जाएगा, विद्यार्थीगण संघर्ष में उतरेंगे, भारतवासी महान दुखी दरिद्र शांत रोते हुए दिखाई देंगे, जमीनों का हेर फेर होगा, राजाओं के राज्य समाप्त होंगे, सोना 300 रुपए से ऊपर हो जाएगा, चांदी 20 रुपया तोला होगी, अन्य धातुएं बहुत महंगी होंगी, कपड़े खाने के सामान बहुत महंगे मिलेंगे, तूफान भूकंप आएगा, वर्षा बहुत होगी, बीमारी फैलेगी, पड़ोसी देश से लड़ाई होगी और नुकसान अधिक होगा, अन्य देश भारत को छोड़कर दूसरे की सहायता करेंगे, रूस व चीन में विवाद होगा, चीन अमेरिका में मनमुटाव होगा, बहुत से शहर अमेरिका के नष्ट होंगे, अमेरिका में चीन के प्रति भारी क्रोध फैलेगा, मुंह तोड़ जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानि कर देगा, चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे, उनकी सहायता भारत करेगा, तिब्बत भारत का अंग हो जाएगा, चीन पहले भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा, पहला नरसंहार पूरब में होगा, फिर पश्चिम में होगा, उसके बाद उत्तर में होगा, फिर दक्षिण में होगा, इसके बाद चारों तरफ लड़ाई होंगी, मांस मछली अंडों की दुकानें शहरों व कस्बों की बंद कर दी जाएंगी, किसी होटल ट्रेन में मांस अंडे नहीं बिकेंगे, जो मांस बेचता हुआ पाया जाएगा उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दुकान पर जाकर 10 वर्ष की सजा देगा और 5 बेत रोज सुबह शाम लगा करेंगे, विश्व के सभी मुल्क अपने आणविक अस्त्रों के साथ मिलकर एक साथ हमला करें तो भी भारत को जीत नहीं सकेंगे, उनके द्वारा भारत पर फेंके गए भयानक बम पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे, ऐसे बम 1% फूटेंगे जिनमें शराबी कबाबी मरेंगे, अभी कुछ दिनों में लोगों को व्यापक रूप से आंख की बीमारी होगी, आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे, आज 1 रुपए में बिकने वाली दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी, खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे, भारत के नग्न सिनेमा सभी बंद कर दिए जाएंगे, चरित्र उठाने के लिए धार्मिक चित्र दिखाए जाएंगे, 1 रुपया सैकड़ा से अधिक कोई ब्याज नहीं लेगा, अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा, दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी, जहां भी राजधानी बनेगी महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देश में लूटपाट डकैती रिश्वत हाहाकार बना रहेगा, अन्य की कमी से राजा व रियाया में भारी संघर्ष हो जाएगा, दिल्ली की गद्दी में सड़ंत पैदा हो गई है, होटलों में स्त्रियों के नंगे नाच बंद कर दिए जाएंगे, वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं उनके जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से प्रबंध होगा, भारत के लोग विदेशी पहनावा का परित्याग कर देंगे, पैंट पहनना बंद कर देंगे, भविष्य में बांग्लादेश में भी कुछ होगा और अंत में वह समाप्त होकर भारतवर्ष में मिल जाएगा, भारत में आइडेंटिटी कार्ड के नियम का लागू करना जरूरी है, भविष्य में देश का राष्ट्रपति निरामिष मद्यपान रहित जनता द्वारा ही चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा, भारत का संविधान अन्य राष्ट्रों में भी लागू किया जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जबकि जो कुछ मैं कहूंगा वह सभी पार्टियों के लोग कहेंगे, भारत को चाहिए कि इसराइल से दोस्ती कर ले क्योंकि अंत में भारत व इसराइल की दोस्ती हो ही जाएगी, मुसलमानी मुल्क हमेशा भारत का विरोध करेंगे, पिछले फकीरों ने आज के समय का इशारा किया है, मुसलमानी राष्ट्रों में खून की नदियां बहेंगी, राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, देश के लोगों ने मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ा, रिश्वत अनाचार व्यभिचार का परित्याग नहीं किया, आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ करना कराना बंद नहीं किया, परिवार नियोजन गर्भपात बंद नहीं किया, तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी, आगे चलकर सूखा पड़ेगा, पानी न रहने से नदियां और डैम सूख जाएंगे, बिजली बनाने के जनरेटर बंद हो जाएंगे तो बिजली नहीं बनेगी, बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे, उसी समय अकाल पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा और अन्न की कमी होगी, अधिक संख्या में लोग मर जाएंगे, समुद्र में तूफान आने से बहुत सी इमारतें नष्ट हो जाएंगी, समुद्र में ऐसी स्थिति होगी कि तमाम मछलियां मर जाएंगी और उनकी दुर्गंध से या अन्य प्रकार की दुर्गंधों से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी, विदेशी बैंकों में भारत के लोगों का खरबों डॉलर से भी अधिक धन जमा है,
भविष्य में ऐसे लोगों की लिस्ट आउट की जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी से लोग रुपया भारत में वापस ले आवें। चीनी 5 रुपया किलो बिक जाएगी, मार्च 1972। आगे चीनी रुपए की 1.5 डटांक मिलेगी और 1 रुपए में छोटा प्याला चाय का मिलेगा। ये भविष्यवाणी भी सत्य हो रही है। वकील कचहरियों से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वे अपने बच्चों की परवरिश कर सके। लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और अगर तुम मिट्टी भी फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में महान आत्माएं न होती तो देश रसातल को पहुंच गया होता। चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया है, अब की बार लड़ाई में पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। इसके प्रयोग करने पर कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी आंधी चलाई जाएगी कि सारे के सारे कीड़े उड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। 2-1 बम फूटेंगे, उससे शराबी कबाबी मरेंगे। भविष्य में गाय काटने वालों को 20 साल की सजा मिलेगी। अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। छोटे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठकर अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा करते हैं, उनको नीचे से ऊपर वाला पद एक बारगी मिलेगा। भविष्य में ऐसा परिवर्तन होगा। भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर है समाप्त हो जाएंगी। हिंदू हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएंगे, सभी मजहब वाले लड़कर खत्म हो जाएंगे। केवल सच्चा अध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा, कोई भूखा नहीं सोने पाएगा। शहर व कस्बों में जगह जगह जो बेकार की चुंगी घर बने हैं वे भविष्य में खत्म कर दिए जाएंगे। रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेगा, रिश्वत लेने वालों के नाम पते उसमें नोट किए जाएंगे। फौजियों की नारियों के लिए भी कार्यालय खुलेगा। फौज के सिपाही जो लड़ाई में मारे गए अथवा उनका अंग भंग हो गया और उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में सूचनाएं इस दफ्तर में नोट की जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए पैसे गहनों को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। प्रजातंत्र में लोग गोलियों से भून दिए जाएंगे। अंग्रेजों के शासन काल में इतने लोग नहीं मरे जितने 25 वर्षों में गोली के शिकार हुए हैं। मेरे 20 करोड़ आदमी तैयार हो रहे हैं, वे गोलियां चलाना बंद करा देंगे। भविष्य में बच्चे भारत का संविधान बनाएंगे और उसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू मुसलमान हरिजन ब्राह्मण क्षत्रिय को उसका पालन करना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। तो ये रहे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ भविष्यवाणियां, जो समयानुसार याद कराना अति आवश्यक था। जय गुरुदेव।